नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको विंडो बूटेबल बनाना सिखाऊंगा और किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल कर सकते हो, आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आपको इंटरनेट ऑन करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। सर्च बार में आप टाइप करोगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर गेट इनटू पीसी। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फर्स्ट वाले लिंक पे जाना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में हमारे पास राइट साइड में ऑप्शन होता है सर्च। आपको जो भी सर्च करना है, ध्यान रखना ये जो वेबसाइट है आपकी लेटेस्ट टू लेटेस्ट, ओल्डेस्ट टू ओल्डेस्ट, जितनी भी आप सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहते हो सारे सॉफ्टवेयर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जो भी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, डालना चाहते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, उस विंडो को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे को विंडो 10 चाहिए, तो मैंने विंडो 10 लिखा है यहाँ पे एंड गो। इसके बाद हमारे पास देखिए लेटेस्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर विंडोज खुल के आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे लेटेस्ट आई है हमारे पास 2 वीक एगो, मतलब जो 2 हफ्ते पहले हमारे पास ये अपडेट हुई है। तो दोस्तों हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं विंडो 10 ऑल इन वन मई 2020 फ्री डाउन। ये 2 महीने पहले इस पे अपलोड हुई है दोस्तों। ये मैं डाउनलोड नहीं मारूंगा आपको, मैं यहाँ से क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इजली इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे आपके पास फाइल का सेटअप भी बताया जाएगा कि आपकी डाउनलोडिंग फाइल साइज कितनी। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से डाउनलोड नहीं मारूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया हुआ। यहाँ पे मैंने एक और चीज डाउनलोड कर रखा है पावर IS। जब भी आप बूटेबल करते हो अपनी पेन ड्राइव को, तो आपको बूटेबल करने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना जरूरी होता है। तो मैं इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से पावर IS को सर्च करना, डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसको डाउनलोड करना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग आपके कंप्यूटर में अभी चल रहा है उसके बेस पर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। पावर IS को इंस्टॉल करना है सबसे पहले आपको, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल भी कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद पावर IS को यहाँ पे ओपन करेंगे हम, यहाँ पे एंटर स्ट्रिक्ट कोड हटा देना इसको, कैंसिल। उसके बाद जाना है आपको टूल्स, टूल्स में ऑप्शन होगा क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, फिर आपको ओके करना है, देन यस, अगेन एंटर स्ट्रिक्ट कोड, कैंसिल। यहाँ पे आपसे इमेज फाइल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गई, जहाँ भी आपने फाइल डाउनलोड कर रखी है आप उस पर क्लिक करो, ओपन करो। यहाँ पे आपके पास पूछा जा रहा है डेस्टिनेशन क्या है, आपने जो पेन ड्राइव लगाई है उसका नाम क्या है, वही लिखा हुआ आ रहा है या फिर कुछ और, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट जरूर कर लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो भी डाटा आपकी पेन ड्राइव में है वो सारा का सारा डिलीट होगा, क्योंकि जब भी आप बूटेबल बनाते हो तो आपकी पेन ड्राइव बिल्कुल न्यू होनी चाहिए या फिर उसके अंदर कोई डाटा नहीं होना चाहिए। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी कुछ टाइम लेगा यहाँ पे बूटेबल होने।
दोस्तों हमारी यहाँ पे विंडो बूटेबल कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुकी है। हम इसको यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज करना। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। पैन ड्राइव को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारी पैन ड्राइव की विंडो जो मैंने लगाई है, अब ये बूटेबल बन चुकी है। दोस्तों देखो ये आपकी पैन ड्राइव कंप्लीट बूटेबल बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको विंडो किस तरीके से किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में आप डाल सकते हो, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।